झज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने आज कई गांवों का दौरा किया। उनके साथ में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री योगानंद शास्त्री भी मौजूद थे। गांव भदानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गीता भुक्कल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब से हुड्डा की सरकार गई है, हरियाणा की विकास की गति थम सी गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, हरियाणा के विकास के पहिये को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। उनके नेता अहंकारी नेता है। उन्होंने गाँव के द्वारा सम्मान किए जाने पर आभार व्यक्त किया। जब गीता भुक्कल गांव में पहुंची तो फूल मालाएं और शॉल भेंट कर ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही योगानंद शास्त्री का भी यहां पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्हें भी फूल माला पहनाकर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। गांव के सभी मौजूद आदमी इस जनसभा में मौजूद थे। उसके बाद सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, हरियाणा का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद गीता भुक्कल ने सभी का अभिनंदन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 15 साल अपने जीवन के इस क्षेत्र के विकास के लिए निकाल दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखे से हरा दिया। अब बारी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूबे का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए, हरियाणा में अपनी चौधर वापस लाएं। उन्होंने कहा, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाईचारा आम वर्ग पूरी तरह से नाराज है। अब की बार वोट की चोट से इन्हें हरियाणा से बाहर करें। योगानंद शास्त्री ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने कहा, हुड्डा की नीति और नियत एकदम साफ है। उसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। उन्होंने कई उदाहरण भी पेश किए। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए योगानंद शास्त्री ने बताया कि अब की बार हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। अच्छे खासे मार्जिन से बहन गीता भुक्कल भी झज्जर से जीतेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 370 और 35A को ये बुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका समर्थन किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कोई भी ध्रुवीकरण करना चाहे उससे नहीं होगा, जनता ध्रुवीकरण करती है। और आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जब से नया संगठन बना है तब से एकदम से कांग्रेस का उछाल हुआ है और लग ये रहा है कि अच्छे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही है उनके नेताओं के ऊपर, चाहे वो CBI के हो या कोई, उससे कहीं ना कहीं मनोबल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता सब समझ रही है, सब जानते हैं कौन क्या है और किस लिए किया जा रहा है। तो चिदम्बरम जैसे आदमी को मान लीजिए, आप चिदम्बरम ने कोई गलती की है तो वो फाइल तो 15 लोगों से होकर के आई थी नीचे से, क्या उनसे किसी से पूछा गया? तो साफ है कि बदनीति से काम किया जा रहा है, राजनीतिक विद्वेष। हरियाणा में 370 और 35A के मुद्दे को भुनाया जा रहा है, हालांकि ये केंद्र के मुद्दे होने चाहिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनको भुना रही, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, 370 और 35A के लिए खुद हुड्डा साहब ने अपनी रैली में कह दिया था कि ये ठीक है, क्योंकि वहाँ जो अपने नौजवान जा रहे थे, मर रहे थे, कम से कम वो तो बचे। शास्त्री जी, आपका एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है दिल्ली के लोगों के, क्या हरियाणा? नहीं, देखिए, हरियाणा में काफ़ी कुछ बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है। आपको मैं उदाहरण दूँ, 14 सीट हैं फरीदाबाद और मेवात में, आप देखिएगा 10 सीट आएंगे उनमें से। 75 पार का नारा, 75 पार नहीं, 75 पार वाले नारे में कोई दम नहीं है, आप देखिए। उसके बाद गीता भुक्कल ने कहा, हमारी लीड बरकरार है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा, अब की बार मैं चौथी बार विधायक बनूंगी और अच्छे मार्जिन से मैं जीतने जा रही हूं। उन्होंने कहा, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर चली है। अशोक तंवर के सवाल पर उन्होंने कहा, उनका पूरा सम्मान है, वो अध्यक्ष पद पर थे, अध्यक्ष पद स्थायी नहीं होता, उन्हें भी समझना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में कहा, वो पूरे अकड़ के साथ रहते हैं, मैं भी कैबिनेट मंत्री थी लेकिन मैंने कभी भी घमंड नहीं किया, जनता हमें चुनती है, हम जनता से घमंड कैसे कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए 10 साल तक लोग आज उसको याद कर रहे हैं। हमने कोरे जुमले नहीं काम करने का काम किया, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, सब वर्ग दुखी हैं, लोगों को रोज़गार चाहिए। आज की डेट में जो रिसेशन और आर्थिक मंदी के दौर से पूरा देश और हरियाणा गुजर रहा है, उसमें रोज़गार देने की बजाय बहुत से युवाओं को रोज़गार से निकाला गया है।
नौकरियां ज़्यादातर बाहर की लगी हैं, इस बात का प्रमाण एसडीओ की भर्ती जो कैंसिल हुई है उसमें देख लिया हुआ। किसान हमारा त्राही त्राही कर रहा है, मंडी में उनकी फसल जो है बिक नहीं रही है और ऑनलाइन और कई तरह की परेशानियां उनको लग रही है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जो माताएं बहनें अपने आप को अनसेफ समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोगों को लग रहा है कि आज आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। विशेष तौर से हमारे जो बुज़ुर्ग पेंशन के लिए धक्के खा रहे थे, हमने कहा है हमारी पार्टी आते ही 5,000 रुपया बुज़ुर्गों को पेंशन 58 साल की उम्र, और साथ ही साथ में माताओं बहनों की उम्र जो है 55 साल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे व्यापारी हैं, आपने देखा होगा उनका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है, उनके अपने कर्मचारियों को निकाल दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गई हैं, मारुति ने अपनी जो प्रोडक्शन बंद कर दी है, ऑटोमोबाइल एजेंसीज बंद हो रही हैं। तो आज युवाओं को रोज़गार चाहिए, उनको रोज़गार नहीं तो उनकी चीज़ें भत्ता चाहिए, भत्ता भी और साथ साथ में एज़ पर क्वालिफिकेशन उनको जॉब्स चाहिए। तो शिक्षण संस्थान इन्होंने कहा हमने बना दिए, कोई भी भर्ती उसमें नहीं की है, बिल्डिंग कोई भी कंप्लीट नहीं की, जो हमारे समय की परियोजनाएं थी केवल और केवल उनका फीता काटने का काम किया है। तो आज खासतौर से झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ पर इन्होंने भाईचारा बहुत ज़्यादा ख़राब किया। सबसे पहला दहे तो हमारा अमन चैन शांति और भाईचारे का रहेगा और इस क्षेत्र की तरक्की का रहेगा, केवल और केवल इन्होंने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया, हमारे विधानसभा के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया। इसका जवाब आने वाली 21 तारीख को जनता देने का काम करेगी। मिशन 75 पार या आपकी बार जीत की हैट्रिक? देखिए, हमारी तो जीत की हैट्रिक पक्की है, मैं 3 बार पहले विधायक रह चुकी हूँ, मेरा 4था चुनाव है और 4था चुनाव भी 95% हमें इस गाँव से वोट मिला है। और पूरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र का अगर पिछले आंकड़े उठाएंगे 28,000 से लोकदल से 32,000 से बीजेपी से मैं चुनाव जीती हूँ, और इस बार माहौल और ज़्यादा उससे बेहतर है। लोगों को लगा है कि सरकार ने केवल और केवल झूठे नारे वायदे और ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जिस प्रकार से चलान काट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और लाठी चार्ज हो रहा है जो भी अपनी मांग कर रहे हैं, इनको तो 75 पार तो कहने से क्या हम 80 पार 90 पार कह दें। अब जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली उसमें आम जनता का जनमानस का पैसा जो है फूंकने का काम किया, आज इनकी बीजेपी अपने आप को ठगा हुआ, इनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया। तो हमारा मिशन तो ये है कि 4थी बार हाईएस्ट वोटों से झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों के आशीर्वाद से मुझे लगता है पूरी अच्छी तरह से मैं ये चुनाव जीतूंगी, और इसके साथ साथ जीतने के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। सीएलपी लीडर जब से हुड्डा बना है और एडम को आपको कांग्रेस अध्यक्ष बने, उससे पुराने कांग्रेसी एकजुट होकर एक लामबंद हो गए कि आपके बार फिर से हुड्डा को तीसरी बार सीएम बनाएंगे? जी, देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ही सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन सीएलपी लीडर और इलेक्शन मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है, आदरणीय कुमारी शैलजा जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जोड़ी बहुत ही कामयाब जोड़ी है, 2005 में भी जब जोड़ी आई थी तो उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था, और आज सभी सीनियर लीडर, न केवल सीनियर लीडर बल्कि आम जनमानस, आम कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है और बीजेपी को बाहर का रास्ता करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अशोक का हाईवोल्ट ड्रामा रहा, उसके बाद पार्टी छोड़ दी, इससे क्या? देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सम्मानजनक पद पर रहे हैं और सम्मानजनक तरीके से ही उनकी विदाई, क्योंकि स्थायी तो पद नहीं होता है, बदलते रहते हैं, तो मैं समझती हूँ उनको पार्टी के मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। झज्जर जिले के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश, इससे पहले आप भी रहे हैं, वो अपने एग्रेसिव के लिए और आप अपने मुस्कान के लिए फेमस? देखिए, ऐसा है, जो जनता हमें आशीर्वाद देकर जिताकर भेजती है उस जनता के साथ बहुत ही धैर्य से आपको मिलना पड़ेगा, अगर वो आपको सुनाते हैं तो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनका अधिकार है, उन्होंने आपको आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा है। अब दादागिरी के बल पर कभी आज वो जमाना नहीं है, लोकतंत्र में हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को अधिकार है, तो हमें अगर हम अच्छे से धैर्य से और उनकी बात सुनेंगे शिष्टाचार से तो हमेशा हमेशा पार्टी की हवा है कि नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार का भी वोट होता है पार्टी के वोट के साथ साथ। दूसरा, घमंड किस चीज़ का? घमंड तो 2 दिन पहले रावण भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनका भी घमंड दशहरे में हम लोग उनका दहन करके करते हैं, तो घमंड तो सरकार के सर चढ़कर बोल रहा है, खट्टर साहब को फरसा दिया तो कहते मैं गर्दन काट दूंगा, और धनखड़ साहब तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, मैंने कई बार कहा, लेकिन गुस्सा तो जनता है इस बार उनसे, और मैं समझती हूँ बीजेपी का ऐसा इलाज बांधेगी इस बार लोग याद रखेंगे। झज्जर से नीरज के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।